आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। मैं हूं आपके साथ कुमार विक्रम। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। भागलपुर में बम ब्लास्ट के बाद जागी पुलिस, एक गोदाम से भारी मात्रा में अवैध पटाखा किया जब्त। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भागलपुर जिले में हुए दर्दनाक ब्लास्ट की घटना के बाद पुलिस अब अलर्ट मोड में आ गई है। ऐसी घटना भविष्य में फिर कभी घटित ना हो, इसके लिए पटाखे के अवैध निर्माण, भंडार और अवैध कारोबार के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिटी DSP प्रकाश कुमार और हबीबपुर थानेदार कृपा सागर के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया है। वहीं इस संबंध में सिटी SP सवर्ण प्रभात ने बताया कि हबीबपुर थाना क्षेत्र में बाईपास के नजदीक सरदारपुर में गौशाला की जमीन पर अवस्थित एक ट्रांसपोर्ट के दो गोदामों में अवैध रूप से भंडार किए गए करीब 1800 कार्टून पटाखा को बरामद किया गया है। वहीं सिटी SP ने कहा कि दोपहर में लगभग 12 बजे मां अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट एजेंसी के उक्त दोनों गोदामों में पटाखा के अवैध भंडार की गोपनीय जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि यह गोदाम राजस्थान के रहने वाले पवन रजगिरिया का है, वहीं उसका कार्यालय कोलकाता में है। सिटी SP की माने तो तमिलनाडु के शिवकाशी से यह पटाखा मंगवाया गया था और प्रत्येक महीना 7 से 8 ट्रक पटाखा यहाँ मंगवाया जाता है। वहीं पिछले 2 दिनों से पटाखे को विभिन्न स्थानों पर भेजा भी जा रहा था। इस पूरे कारोबार में चुनिहारी टोला निवासी प्रदीप मांडविया और विकास मांडविया मुख्य रूप से संलिप्त था। सिटी SP ने कहा कि अवैध पटाखा का कारोबार करने के आरोप में कोतवाली थाना क्षेत्र के वैरायटी चौक के पास विकास स्टोर और प्रदीप स्टोर को चिन्हित किया गया है। वहीं सिटी SP ने बताया कि इस ट्रांसपोर्ट का संचालन पटना के विनय सिंह और राजस्थान के महेंद्र सिंह के द्वारा किया जा रहा था। पुलिस द्वारा तुलसी ब्रांड का रॉकेट और बम, शिवकाशी का मुर्गा छाप क्रैकर्स, तुलसी छाप, मुर्गा छाप और शिवकाशी के राज फायरवर्क्स का पटाखा बरामद किया गया है। मोबाइल को जो भी सर, करीब 12 बजे आज सुबह सूचना मिली थी कि बाईपास के किनारे एक गोदाम में काफी मात्रा में पटाखा, अवैध पटाखा रखा हुआ है और पिछले 3 दिनों से पटाखे के जितने भी कार्टून से उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तत्काल सूचना प्राप्त होते ही SDPO सिटी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और थाना अध्यक्ष हबीबपुर और तकनीकी शाखा के भी कुछ पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे और यह छापेमारी के क्रम में करीब 2 गोदाम जिसमें पटाखा ही भरा हुआ है बरामद किया गया है। अभी तक गिनती जारी है, करीब 1800 पटाखा का कार्टून अभी तक हम लोग गिनती कर चुके हैं और भी गिनती की जा रही है और अभी तक का जो अनुसंधान हुआ है उसके काम में पता चला है कि ये पटाखे तमिलनाडु के शिवकाशी नामक एक जगह है, वहां से लाया गया है। शैलेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहे लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।